कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दही भल्ले बनाएंगे, बहुत मज़े के बनते हैं, बड़े ही डिलीशियस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। ये देखिए मैंने दालें ली हैं, तो 200 ग्राम मैंने माश की दाल ली है, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए सोख कर ली थी। दाल अच्छे से सोख कर लें, ताकि जितनी अच्छी दाल भीगेगी उतने ही आपके सॉफ्ट बनेंगे दही भल्ले। बोली थी मैंने, फिर भी थोड़ा बहुत देखें इसमें आ जाता है पानी इस तरह से, तो हम इसको संभाल के निकाल लेते हैं। और ये देखें 100 ग्राम मैंने मूंग की दाल ली थी, इसको भी मैंने भिगो दिया था साथ साथ ही। अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से पीसेंगे इसको। इसको आप बना के तल के आप फ्रीज भी कर सकते हैं, जब आपके मेहमान आए, आपका दिल करे उस वक्त आप थोड़े से भिगो लें पानी में, और उसको जो है उसी वक्त असेंबल कर लें, बना के रख लें इसको। देखिए अदरक का मैं 2 इंच का अदरक का टुकड़ा इसमें डालूंगी, इससे जो बादीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आ जाता है। बाकी हम कुछ भी नहीं डालेंगे अंदर, सिंपल बनेंगे बिल्कुल। सिर्फ अदरक डालूंगी मैं इसके अंदर, क्योंकि माश की दाल जो है बहुत बादी होती है, तो ये इससे जो है जिसको नुकसान करता है, जिसको बादी चीज़ें, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर इसको हम बहुत अच्छी तरीके से पीस लेंगे। इसको पीसना बहुत अच्छे तरीके से आपने, मोटा ना हो बिल्कुल, देखें फाइन पेस्ट बन जाए। देखें देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका पेस्ट बन गया। इसको अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखें अब हम इसको जो है 5 मिनट्स बहुत अच्छी तरीके से इसकी हम पिटाई करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी इसकी पिटाई हो, देखिए फूल के जो है ना ऊपर तक आ जाएगा, इसकी पिटाई बहुत अच्छी होना चाहिए, इसी से बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे ये। बस इसमें असल जो मेहनत का काम होता है वो इसकी ये पिटाई होती है। इसके बाद 2 मिनट का काम होता है, इतना ज़्यादा काम नहीं है इसके अंदर। ये देखिए कितना ऊपर तक आ रहा है इसको। इसको अब हम चेक इस तरह करेंगे कि ये पानी मैंने रखा है, अगर इसको पानी के अंदर ये बिल्कुल ऊपर तक आ जाएगा फूल के, और अगर नीचे बैठा है तो इसका मतलब समझ ले कि ये अभी नहीं हुआ है। ये देखिए बिल्कुल ऊपर आ गया है, देख रहे हैं इसको। इसको अभी हम थोड़ा सा और फेंट लेते हैं 2-3 मिनट तक, और ये देखिए आप हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब ये मैंने पानी लिया है, इसके अंदर मैंने नमक डाला है, और इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून सोंठ डाली है। सोंठ से और नमक से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और सॉफ्ट हो जाते हैं बिल्कुल। ये देखिए ऑयल गरम है, इसको मैं अच्छा, मैं दही भल्ले जो है बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई बहुत ज़्यादा बड़े वाले नहीं खाता। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर वो फ्रेस्को वाले छोटे खाए जाते हैं, तो ये तो मैं सिर्फ रेसिपी के लिए तैयार कर रही हूँ, तो आप चाहें तो उसको बड़े बड़े भी बना सकते हैं। दही की नीचे बिछा देंगे, ताकि हम भल्ले, दही भल्ले जब लगाएंगे ना ऊपर, तो नीचे
नीचे से फिर जो है ना, वरना आपका ऐसा होगा अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो आपके नीचे से जो है ना दही नहीं होगा, सूखे सूखे निकलेंगे। देखिए इसको इस तरह से आप प्रेस कर करके पानी ताकि निकल जाए, इसमें पानी ना हो वरना दही जो है हमारा पतला हो जाएगा। इसमें गाढ़ा दही अच्छा लगता है, पतला दही बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, इसलिए इस तरह से आप दबा दें और इस तरह से आप इसको प्रेस कर करके लगा दें। इतने सिंपल तरीके से बनाए और इतने मजे के लगते हैं। अच्छा, दही में मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने शुगर ऐड की थी, फिटाई जब मैंने दही इसको फेटा था तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने चीनी मिलाई थी। थोड़े से खट्टे मीठे जो हैं वो मज़े के लगते हैं। ये देखें अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया। अब ये सारा दही मैं ऊपर से पोर कर दूंगी इसके ऊपर। अब नीचे दही था ना, तो वो आराम से नीचे ऊपर से दोनों तरफ से जज्ब होगा ना बल्लों में अच्छे से, फिर टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, वरना खुश्क खुश्क रहते हैं या फिर। इसके अंदर मैं थोड़ी सी इसके अंदर कुटी मिर्च डाल रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। इमली की चटनी डाल रही हूँ, चटनी मेरे इसमें बनी हुई है, इसमें रेसिपी पड़ी हुई है, अगर आप चाहें तो चटनी, ग्रीन चटनी की भी और इस चटनी की भी है, मैंने थोड़ी सी पतली करके डाली है। अब मैं चाट का मसाला डाल रही हूँ इसके ऊपर। मसाला हम नॉर्मल डाल रहे हैं, जिसको डालना होगा ऊपर से डाल के अलग से सेपरेट, बाज लोग कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं तो अपना। ये देखें ग्रीन चटनी से इसका टेस्ट बहुत दुबाला हो जाता है। सेव लगा रही हूँ इसके ऊपर, बारीक वाले सेव जो है। देखिए हमारे दही बल्ले बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हो गए, इतने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो एटलीस्ट 3 to 4 मिनट वॉच कीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। मेरे चैनल पे जो नए हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। टिकटॉक इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।